स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन पर। और यह सेल डिवीजन चैप्टर में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सेल क्यों डिवाइड करता है और यह सेल को डिवीजन कब होता है और क्या आवश्यकता इस सेल को डिवाइड करने के लिए हुआ। यानी कह सकते हैं कि सेल का डिवीजन जो है किस किस स्टेज में होता है, क्योंकि सेल भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल जो है वो तो डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि एक से ज्यादा सेल का फॉर्मेशन भी तो होना है। तो सेल जो है डिवाइड करता है, ये डिवीजन जो है कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो अभी जो है सो हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन पर। तो सेल डिवीजन में देखिए, न्यू सेल अराइजेज Arises by division from pre-existing cell. pre-existing cell से division के द्वारा जो है cell का, new cell का जो formation होता है। Next point, complete the life cycle of a cell is called as cell cycle. यानी सेल जो अपना कंप्लीट जो है लाइफ को पूरा कर लेता है उसको सेल साइकिल कहते हैं। अब देखिए, यह सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है इंटरफेज और सेकेंड डिवीजन फेज। यह इंटरफेज भी थ्री स्टेप में डिवाइड होगा, G1 फेज, G1 फेज को फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। इसका ड्यूरेशन जो है 12 आवर्स होता है। सेकेंड एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। सिंथेसिस फेज, इसका ड्यूरेशन 6 to 10 आवर्स। और थर्ड जो होगा G2 फेज को सेकेंड गैप फेज कहते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 to 12 आवर्स। अब ये जो डिवीजन फेज जो है, ये डिवीजन फेज भी टू पार्ट में डिवाइड होता है। हम लोग लिखेंगे कैरियोकाइनेसिस और सेकेंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मीन्स कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस डिवीजन। साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स सेल और काइनेसिस डिवीजन। यानी यह जो सेल डिवीजन का कई स्टेप है, इस स्टेप में देखिए कि सेल साइकिल, यह सेल साइकिल पूरा कंप्लीट जो है
किसी भी सेल का कंप्लीट जो लाइफ साइकिल होता है उसी को जो है सो सेल साइकिल कहते हैं। इस सेल साइकिल में देखिए कि इसको जो है सो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंटरफेज और दूसरा डिवीजन फेज। यह इंटरफेज को G1 फेज, S फेज और G2 फेज। सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होता है G1 फेज होता है। यह जो G1 फेज जिसको फर्स्ट गैप फेज कहा गया है इसके लिए जो ड्यूरेशन जो है 12 आवर्स। S फेज जिसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं और ये इसका ड्यूरेशन 6 to 10 आवर्स। G2 फेज सेकेंड गैप फेज, इसका ड्यूरेशन 3 to 12 आवर्स। अब यह जो डिवीजन फेज हुआ, इस डिवीजन फेज में क्या होगा कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और सेल का डिवीजन होगा। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस और ये जो सो साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस जो है इसका भी कई स्टेप होता है, जैसे हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वगैरह पढ़ते हैं, यह जो है कैरियोकाइनेसिस के दरमियान आता है। एक्चुअली में यह सेल डिवीजन में जो है सो ये देखा गया है कि जब एस फेज आता है, इसी एस फेज में जो है डीएनए वगैरह का जो है सो आपका डुप्लीकेशन होता है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब डीएनए और आरएनए बन जाता है तो फिर उसका भी तो डिवीजन होगा, जिस तरह से सेल का डिवीजन होगा तो इस उसी प्रकार से क्रोमोजोम का भी तो डिवीजन होगा। यानी यही जो डिवीजन जो है, जो न्यूक्लियस डिवाइड जो करेगा, उस न्यूक्लियस डिवाइड जो करेगा जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द प्रोसेस सेल डिवीजन में ये दो स्टेप जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है, एक जो है सो इंटरफेज और दूसरा जो डिवीजन फेज। अब इस इंटरफेज में G1 फेज को हम लोग अलग पढ़ेंगे, S फेज को अलग पढ़ेंगे, G2 फेज को अलग पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग कैरियोकाइनेसिस में इंटर करेंगे। कैरियोकाइनेसिस का जितने भी स्टेप्स हैं वो सभी स्टेप्स को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है सो फिर साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। यानी सेल डिवीजन में ये सारे प्रोसेस होता है और इस सभी प्रोसेस को वन बाय वन करके हम लोग देखते चलेंगे और तब हम लोग समझेंगे कि सेल जो है सो क्यों डिवाइड करता है। जिस प्रकार से जो है हम लोग अपने घर में देखते हैं कि जो डिवीजन जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं बंटवारा, इसी प्रकार सेल में भी डिवीजन होता है। तो सेल क्यों डिवाइड करता है, क्या सेल को आवश्यकता, किस चीज की आवश्यकता पड़ती है जो कि सेल यहाँ पर डिवाइड करता है। यदि सेल डिवाइड नहीं करेगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इस वजह से सेल का डिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सेल डिवीजन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।